हेलो गाइस, वेलकम बैक टू अनदर गेमप्ले वीडियो। और आज अपन खेलने वाले वापस से माइनक्राफ्ट। और आज अपन बनाने वाले एक अल्टीमेट आयरन फार्म, जिसके अंदर तीन फ्लोर्स होंगी। फर्स्ट फ्लोर पे होगा अपना स्टोरेज रूम, सेकंड फ्लोर पे होगा अपना घर, और फर्स्ट फ्लोर पे होगा अल्टीमेट आयरन फार्म। सॉरी, मुझे माफ करे, फर्स्ट फ्लोर नहीं, थर्ड फ्लोर। सो लेट्स गो। ओके, सो गाइस, अभी अपन अपने गेम में आ चुके हैं। और अभी मेरे को थोड़ा बहुत आइटम कलेक्ट करना है वो आयरन फार्म बनाने के लिए। थोड़े बहुत आइटम तो मैं कलेक्ट कर लाया था, जैसे कि ये दो या तीन पिकेक्स लग गई, जिससे मेरा आयरन थोड़ा कम हो गया। साथ में आयरन भी थोड़ा था, थोड़ा बहुत, तो उसको भी मैंने पिघला पिघलू मेल्ट करके रख दिया है। तो अभी जो है मेरे को चाहिए होगी थोड़ी बहुत वुड, जो की वुड अपने पास शायद पहले ही मिल जाएगी। बहुत सारी, हाँ 48 तो बहुत होगी। मेरे को बस प्लैंक चाहिए इनके, तो इनको रखते हैं इनके अंदर। और अभी अपन ने जैसे कि पहले डिसाइड करी थी ये जगह, अपन यही बनाने वाले हैं, क्योंकि बस ज्यादा से ज्यादा 5x5 के एरिया में आ जाएगा। एक लंबा सा टावर बनाएंगे और उसके अंदर क्या क्या बनाएंगे तुम देखते रहो बस। और विलेजर को मैंने थोड़ी बहुत ब्रेड दी थी भाई, बच्चा करा कि नहीं करा इनने। हेलो बच्चा, अबे तुम तीन जनों की जरूरत है भाई, अब क्या एक को भी वहां से खिसका के लाऊं? तुम ही कर लो यार। एक इनको ब्रेड दी तो थी, मैंने पूरा स्टैक भर के दिया था भाई। एक सेकंड, बड़ी है क्या मेरे पास? और नहीं नहीं, अब मेरे खाने के लिए भी छोड़ो। हाँ मैं आ रहा हूँ, तुम मत बाहर जाना। ये लो, ए बाहर मत जाना, इधर आओ इधर आओ। उसको कौन छुटा के लाओ, जाओ जाओ जाओ, ये लो जाओ 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 जाओ। मिला ना ब्रेड, मिला, सबको ब्रेड मिलेगी, सबको ब्रेड मिलेगी। चलो बंदे रहो, बाहर मत निकल जाना, वहीं बच्चा कर। चलो अभी जो है अपन थोड़ी बहुत तैयारी करते हैं, जैसे इन सबको बनाते हैं डीप स्लेट टाइल्स। ओके, अभी मैंने सबको डीप स्लेट टाइल्स में कन्वर्ट कर दिया है। अभी इनकी थोड़ी बहुत जैसे कि वॉल काम आएगी, तो वॉल्स बना लेते हैं। वॉल और शायद स्टेयर्स काम आएगी, तो उसी टाइम बना लेंगे जब जितनी जरूरत पड़ेगी। ओके, उससे पहले अपन ले लेते हैं थोड़े बहुत वुड, इसकी बनाते हैं क्राफ्टिंग टेबल, जो कि काम आने वाली है। अभी अपन अपना स्ट्रक्चर बनाने से पहले और थोड़ा बहुत आइटम लेते हैं, जैसे कि आयरन। आयरन से बनाऊ कुछ चेस्ट स्टोरेज रूम के लिए। और ये स्टोरेज रूम सिर्फ आयरन फार्म का होने वाला है, यूं नहीं कि और किसी भी काम आएगा। एक सेकंड, हॉपर बहुत सारे बनाने पड़ेंगे भाई, ये तो मैं भूल ही गया था। ओह शिट, क्या इतना काम हो जाएगा? 7 हॉपर तो बन गए हैं, लेकिन मुझे लगता नहीं 7 हॉपर में काम होगा। ओके, 38 आयरन और पड़ा इस चेस्ट में। ओ, ये कौन छोड़ के गया भाई? 8 हॉपर और बन गए, टोटल हो गए 15, तो शायद इतने में काम हो जाना चाहिए। अपन अपना बिल्ड बनाना चालू करते हैं, और उसकी फेसिंग रखेंगे अपने ट्री की साइड, मतलब ऐसे गोल में बनाना चाह रहा हूं मैं फार्म, जितने भी बनाए तो उसकी फेसिंग इधर की साइड रखेंगे तो अच्छा लगेगा। तो सबसे पहले देखो एक टावर सा बनाते हैं कुछ इस तरीके का। देखो 1 2 3 4 5 का शायद एरिया काफी रहेगा। एक सेकंड भाई, सामने की डर्ट हटानी पड़ेगी, उसके लिए मेरे को शवल मिलेगी। शवल रखी तो थी। चलो तो अभी इस टावर को अपन बनाना चालू करते हैं ऊपर तक, तो कुछ इस तरीके से बढ़ाते हैं। देखो 2 3 4 5, और जब ये डिजाइन पूरी हो जाएगी, जब इसको लास्ट में अपन है ना बीच बीच में जैसे वो टूटे फूटे ब्लॉक नहीं होते क्रैक्ड वाले, वो भी भर देंगे। वो शायद किस में बनते हैं? वो कटर, स्टोन कटर में बनते हैं। तो स्टोन कटर कैसे, स्टोन कटर बन जाता है ना? हाँ, आयरन लगा के स्टोन कटर बन जाता है शायद, स्मूथ स्टोन रखना पड़ता है आई थिंक सो। तो ये हो गया पूरा, मैंने 5-5 की हाइट पे बना दिया है। अभी इसके ऊपर एक डिजाइन ऐड करने के लिए देखो इसकी स्टेयर्स बना के लाते हैं। डीप स्लेट टाइल्स की स्टेयर्स बनेगी ऐसे, और अब स्टेयर्स लगाते हैं ऐसे। ये देखो स्टेयर्स लग गई। अब इसके ऊपर वापस से ब्लॉक लगाते हैं और अपने टावर को कंटिन्यू करते हैं। ये देखो, इससे ये इफेक्ट आएगा, ये बीच में जो आ गया ना कट सा, ऐसा मस्त लगेगा। और बाद में अपन ब्लॉक्स चेंज कर देंगे। इसका क्रैक्ट बना के देखते हैं। एक सेकंड, क्रैक बनाने के लिए गाइस शायद अपन क्राफ्टिंग टेबल में नहीं बना सकते, अपन एक वो देखते हैं स्टोन कटर। स्टोन कटर कैसे बिल्ड होता है भाई? स्टोन कटर तो शो ही नहीं कर रहा कहीं। चलो छोड़ो गाइस, बाद में देखेंगे, अपन अपना बिल्ड पे ध्यान देते हैं पहले, क्योंकि वो स्टोन कटर मिल ही नहीं रहा। स्टोन कटर बनता तो था ये तो मालूम है, और कैसे बनता था ये नहीं मालूम, या तो उसके लिए कुछ अलग चाहिए होता था। मेरी क्राफ्टिंग टेबल में शो ही नहीं कर रहा, छोड़ो अपने को क्या। और गाइस इस फार्म में मेजर अंतर यही है कि जो नॉर्मल आयरन फार्म होता है वो खुला होता है, इसको अपन बस साइड से वॉल लगा के ढक देंगे और एक प्यारी सी स्ट्रक्चर बना देंगे। तो अभी अपन ने वो स्टेयर्स लगाई थी, उसके ऊपर 4 ब्लॉक और लगा दिए हैं। अभी अपना मेन काम चालू होता है, यहाँ बनने वाला है आयरन फार्म, मतलब आयरन फार्म का जो बेस होता है ना, जो अपन 10 ब्लॉक शायद ऊपर लगा के आते हैं फिर अपन आयरन फार्म बनाते हैं, तो वो बेड्स वगैरह रखे जाते हैं, तो वो यहाँ रखे जाएंगे। देखो पहले रिपीटर वगैरह बना के लाते हैं, और एक पिस्टन भी लगेगा तो पिस्टन भी बनाते हैं। चलो सबसे पहले तो क्या क्या चाहिए अब अपने को आइटम, कुछ कोबल स्टोन, वुड और आयरन। तो कोबल स्टोन है, वुड है, आयरन है। ओके गाइज, अभी एक बनाते हैं अपन पिस्टन, और कुछ चाहिए होंगे रिपीटर्स। उस रिपीटर्स के लिए क्या चाहिए होता है भाई? एक सेकंड रुकना जरा, रिपीटर्स के लिए अपने को टॉर्च चाहिए होती है शायद, तो वुड 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 की पहले बनाऊं स्टिक, स्टिक से बनेंगी टॉर्च, 2-1 में लगता है शायद, तो 4 बहुत होंगी, 8 बना लेते हैं। और अभी अपने को चाहिए स्मूथ स्टोन, तो स्मूथ स्टोन बनेगा कोबल स्टोन को इसमें रखने से। तो गाइस जब तक ये पक रहा है अपन अपनी बिल्ड आगे बढ़ाते हैं। अपने थोड़ा बहुत आइटम तो ले लिया है, जैसे कि कुछ नहीं लिया, रुक जाओ पक जान दो उसको। जब तक पक रहा है अपन बनाते हैं तीन बेड चाहिए होंगे उसमें डालने के लिए, तो एक बेड है, ओके 2 बेड है, तीसरा भी मिल जाए, तीसरा नहीं मिला चलो छोड़ो, अपन वाइट ही बनाएंगे सब। 1 2 3 टोटल बेड बन गए। और अपने को कंपोस्टर चाहिए, तो कंपोस्टर भी वुड से बन जाएगा। ओके, ये थोड़े बहुत बन गए कंपोस्टर। और यहाँ भी गाइस देखो मैंने वर्क भी ज्यादा लगा दिए थे, जिससे कि बच्चा कर दे। बच्चा किधर है सालो, तुम मत करो बच्चा, मैं वहीं से उठा लाऊंगा एक बच्चा। कर दो यार, घर छोटा पड़ रहा है क्या तुम्हारे लिए? कोई बात नहीं छोड़ो, तुम रहने दो, तुम्हारी बस की बात नहीं है, तुमसे ना हो पाएगा।
चलो भाई अभी मेरा स्टोन पका कि नहीं पका भाई स्टोन तो मेरे ओके आठ स्टोन पक गया आठ कुछ कम नहीं पका दिया मैंने दो ही बन पाए नहीं दो दो चार चाहिए अपने को तो थोड़ा बहुत कोबल स्टोन एक टॉर्च इनको एक्टिवेट करने के लिए भी चाहिए होगी तो स्टिक बनाओ और एक बनाओ टॉर्च एक ही टॉर्च चाहिए इनको एक्टिवेट करने के लिए बाकी दो ये हो गए अभी गाइस जब तक ये पक रहे हैं अपन चलते हैं सैंड तोड़ने थोड़ी बहुत क्योंकि थोड़े बहुत ग्लास बनाने पड़ेंगे जिससे कि लुकिंग अच्छी आए यहीं आसपास कहीं ना कहीं नदी थी वहां से अपन सैंड लेके आते हैं रुको नदी वाला एरिया आ गया है ये रहा सामने नदी है तो फटाफट तोड़ते हैं बाकी तो अपन सवाल लाइन ही नहीं बना के लाते तो शायद एक दो स्टैक ले जाते बाद में रखा हुआ काम आ जाता शवल टूट गई है लेकिन अपने पास टोटल 43 ओके बहुत है 46 हो गए हैं अभी चलते हैं फटाफट से घर चलो जल्दी चलो भागू ऐसा बिल्ट बना दूंगा किसी ने सोची ना होगी गाइज अब देखो अपना बिल्ट कहीं दूर से दिखने लगेगा अगर मैं जंगल में खो जाऊं ना तो बिल्ट्स वगैरह दिखने लग जाएंगे या फिर मेरा मकान तो चमकता है ही खैर और ये तोड़ देंगे इसको तोड़ देंगे भाई ये जो छपरा बनाया था मैंने दो दिन का इसको तोड़ देंगे अभी मेरा स्टोन हुआ कि नहीं हुआ भाई जल्दी जल्दी बताओ ओके स्टोन 15 हो गए बहुत है और अरे कोल मत खर्च करो इधर दो इसके बनाओ सारे रिपीटर्स इसको यहाँ रखो और क्या रखा जाता है ओके चार रिपीटर हो गए एक टॉर्च हो गई चलो अभी ऊपर आ गए अभी अपने को चाहिए पिस्टन को रखना है देखो यहाँ जहाँ पे ज़ॉम्बी उचकता है ना पिस्टन वहां रखा जाएगा जैसे कि यहाँ शायद रखना है इसको तोड़ो अभी अपने को इसको चलाना है तो देखो थोड़ी थोड़ी देर में चलेगा एक ब्लॉक लगाते हैं सबसे पहले यहाँ और फिर ये लगेंगे कुछ इस तरीके से फिर एक ब्लॉक रेड डस्ट ओ शिट गाइस रेड डस्ट कम पड़ गई मेरे को थोड़ी बहुत रेड डस्ट चाहिए मैं रेड डस्ट लेके आता हूँ एक सेकंड अपना रेड डस्ट भैया मिल जा ओके अभी मैं केव में आ तो गया हूँ यहाँ रेड डस्ट दिख रहा है तुमको कहीं पे रेड डस्ट वही मिलेगा भाई वो वॉर्डन सिटी के आसपास चलो वहीं चलते हैं डरता थोड़ी हूँ किसी से आ जाओ तुमसे डरता हूँ अबे तुम नहीं मारो मत ऐसे यार टॉर्च नहीं है कि मेरे पास रेडस्टोन काम नहीं करती क्या टॉर्च अरे भाई क्या घटिया टॉर्च है छोड़ रुको टॉर्च बना भी नहीं सकता मैं वो भी नहीं लाया कोल एक सेकंड गाइस अपन फटाफट से रेडस्टोन तोड़ते हैं अपना काम करते हैं और निकलते हैं टॉर्च दो टॉर्च मिल गई गाइस अपने को टॉर्च रखो इधर क्या कर रहा है पागल आदमी यहाँ लाल लाल आंखें दिख रही है इन लोगों की यू नहीं वो दिख जाए रेडस्टोन ओके पानी जा तो रहा है यहाँ चलो ना चल भाई ले ओके आ गए अभी फटाफट से रेडस्टोन तोड़ते हैं अपन बस बहुत है अरे नहीं अरे भाऊ ज्यादा जने आ गए मर गए मरो क्रीपर काम का आदमी तो है देखो ऐसी बात नहीं गाली मत दिया करो क्रीपर सॉरी मैंने कुछ नहीं करा मैंने क्या बिगाड़ा तुम्हारे फूफा को मारा था क्या मैंने बहुत जने अभी इधर क्यों आ गया मैं रेड स्टोन तो उधर ही था चलो छोड़ो इधर से देखो डायमंड नहीं लूंगा रेड स्टोन नहीं है क्या सारा खत्म हो गया रेड स्टोन दुनिया का छोड़ो गाइस जितना मिला उतना ही बहुत है 19 रेड स्टोन मिल गया इससे ज्यादा चाहिए भी नहीं अपन चलते हैं घर पे फटाफट लेट्स गो काली रात भूत का साया गाइस मैं घर लौट के आया ये देखो अपना चमकीला घर आगे गाइस सोने की खदान है मैं सोने की खदान में जा रहा हूँ देख रहे हो ये तो मेरा घर है दूर से देखा तो सोने की खदान घर आके देख जहाँ लगेगा एक रेड स्टोन ठीक है फिर ये लगाना अरे इसको तोड़ो एक लगाओ ये इसको तीन पे इन दोनों को तीन तीन पे सेट किया है वह एक यहाँ पे ये लगेगा फिर एक ये फिर एक डोन देख रहे हो गाइस पूरा रट रखा मैंने इतनी बार आयरन फार्म जो बना दिया मैंने सर्वाइवल में आयरन फार्म बना के सीरीज खत्म हो जाती किसने अभी गाइस यहाँ पे लगाना है एक रेड स्टोन ओके चल रहा है ओके गाइस एकदम मस्त काम कर रहा है अभी गाइस अपन इसको कंटिन्यू करते हैं बनाना अब ये इसके ऊपर देखो ज़ॉम्बी खड़ा होगा कुछ इस तरीके से ये ऐसे ज़ॉम्बी खड़ा हो जाएगा यहाँ पे इनको डराएगा यहाँ सामने विलेजर्स होंगे उनको तो अभी सबसे पहले तो उठा देते हैं रेडस्टोन अभी कोई काम का नहीं क्योंकि चलता रहेगा तो आवाज करता अलग से रहेगा अभी वापस से अपन टावर बढ़ाना चालू करते हैं एक दो तीन अभी यहाँ पे लगाते हैं ग्लास ओ अपन ग्लास तो पिघलाने ही नहीं रखा है भाई अरे आधे अधूरे काम करता हूँ मैं फटाफट से ग्लास पिघलाने रखते हैं चलो लाओ भाई लाओ ग्लास दो अरे एक एक पका हुआ उठा रहा हूँ मैं देख लो गाइस मंदी चल रही है ओके गाइस 15 तो मैंने कलेक्ट कर लिए इनको लगाते हैं बाकी पकने देते हैं बाद में दोबारा ले जाएंगे ये देखो गाइस ग्लास लगेंगे कुछ इस तरीके से अरे नहीं लगाने ग्लास अरे यहाँ पानी भी नहीं लगा सकते लोग हो गया कल्याण अभी मेरा रिपीटर किधर है भाई इधर तो बड़ी मुश्किल से बनाया था ये रिपीटर मैंने ओह शिट गलत सेट कर दिया चलो भाई चलो अरे ऊपर कैसे जाऊँ एक सेकंड ऊपर जाने की निंजा टेक्निक है अभी ग्लास लगेंगे चारों तरफ और यहाँ नहीं लगेगा यहाँ ज़ॉम्बी आएगा लगाओ इधर देखो अभी यहाँ बेड लगाने और कंपोस्टर्स लगाने कंपोस्टर ऐसे लग जाएंगे और यहाँ ज़ॉम्बी होगा देखो यहाँ देखा तुमने ज़ॉम्बी देखा तुमने ज़ॉम्बी कैसा अभी यहाँ अपने को बेड लगाने के लिए कुछ ऐसा करना पड़ेगा लाओ बेड दो ये गाइस अपना आयरन फार्म बन रहा है वो देखा नहीं तुमने जो मैं सर्वाइवल में बनाया करता था वैसा सिंपल वाला है एक यहाँ लगाओ ब्लॉक एक यहाँ लगाओ एक बेड यहाँ चलो भाई अभी अपने को तोड़ना है इसको जो नीचे स्टोन लगाया अपन ने
तो स्टोन तोड़ने चलते हैं। वैसे जरूरी नहीं है, बाद में भी तोड़ सकते हैं, तोड़ दे कल करे सो, आज कर, आज करे सो। अरे अभी ये नहीं करना था, अभी वो गलत लगा दिया भाई, ये तो झंझट ही अलग है इन लोगों। चलो हो गया, सही हो गया, वापिस ऊपर चलते हैं। अभी इसके अंदर विलेजर्स वगैरह लाने, तो अभी इसको जो है वापिस ऊपर बढ़ाते हैं, लेकिन वो बढ़ेगा ग्लास से, तो ग्लास ले लेते हैं जितना अपना पक गया है। अब ये ग्लास लगेगा कुछ इस तरीके से, देखते हैं। और थोड़े बहुत चाहिए अपने को ट्रैप डोर, तो ट्रैप डोर यहीं बना लेते हैं, अगर मेरे पास वुड है। हाँ वुड है, ओके ट्रैप डोर बन जाएंगे, दो दो चार दो छह, इतने काफी होंगे। एक लगाना है यहाँ पे, अरे नीचे जाना पड़ेगा मेरे को, कोई एक दो तीन, एक यहाँ लगेगा, एक यहाँ लगेगा, और यहाँ पे एक ब्लॉक लगाओ, एक यहाँ लगे। इस ब्लॉक को तोड़ लेते हैं, ठीक है। अभी पानी, अरे पानी, मेरा पानी इस गाइस में फंस चुका, मेरी मदद करे। ओह गाइज मैं कंपोस्टर में बंद हो गया, देखो मैं पता नहीं क्या कर रहा था, कंपोस्टर में बंद हो गया। ओह शिट, बाहर निकलो भाई, बाहर निकलो, अबे बाहर निकालो मेरे को। ओ फिर बंद हो, अबे हटो, मैं ग्लास तोड़ के चल जाऊंगा। एटीट्यूड, अबे एक ही ग्लास था मेरे पास गाइज, और लाना पड़ेगा ग्लास। हाँ अभी कर, अभी अभी छोड़ो, अभी अपन अपना काम करते हैं बाकी का। यहाँ से पानी लेके नीचे लगाने वाला था मैं, प्रो एम एल। खैर गाइज, छोटे छोटे शहरों में बड़ी बड़ी बातें नहीं होती रहती है, यहाँ लगाना है पानी। अभी अपन इसको वापस से कंटिन्यू करते हैं और कंटिन्यू कर, अरे यार तू तोड़ दिया भाई मैंने, ये क्या कंटिन्यू करते हैं बताओ, ऐसे कौन कंटिन्यू करता है तोड़ तोड़। चलो अभी अपने को इसको पैक करना है चारों तरफ से, और फिर विलेजर्स लाने, विलेजर्स लाता हूँ बाद में देखेंगे उनको। ओके तो अभी ये कम्प्लीट हो गया है, इसको हटाते हैं, ये जो सामान लगा हुआ है अपना, एक ग्लास है, एक ग्लास यहाँ लगा देते हैं, कम से कम विलेजर्स तो ऊपर नहीं आ पाएंगे। अभी चालू होता है गाइस अपना सबसे खतरनाक खेल, जिसमें विलेजर्स को यहाँ तक लाना है। कैसे लेके आऊंगा, मेरे पास तो पावर ड्रिल भी नहीं है। ओह शिट, ये तो मैं भूल गया। चलो छोड़ो गाइस, पहले तो अपन वो बनाते हैं यहाँ से वहां तक की सीढ़ियां, जो कि बनेगी डर्ट, डर्ट है ये। देखो गाइस अभी अपन ऐसे बनाएंगे सीढ़ियां, ऐसे ऐसे, एक यहाँ एक यहाँ एक। चलो गाइस अपनी पूरी सीढ़ी हो गई है, अब यहाँ पे रेल लगाना स्टार्ट करते हैं। मैं रेल, अरे यार सब एक एक करके क्यों लाता हूँ मैं, दिमाग खराब है। ओके अभी मैं रेल ले आया हूँ, रेल लगाना चालू करता, मैं वापस ऊपर क्यों जा रहा हूँ, नीचे से भी तो रेल लगा सकता था। अरे मेरी बुद्धि भ्रष्ट हो गई। यहाँ इसको यहाँ ऐसे आएंगे विलेजर, बिल्कुल बढ़िया एकदम मस्त लगी है। और अब सुबह ही आएंगे विलेजर्स, अभी कोई नहीं आ रहा। ओह एक सेकंड गाइस, यहाँ पे ज़ॉम्बी भी आने लगे, पता है पहले ज़ॉम्बी एक भी नहीं दिखता था ना, अब ज़ॉम्बीज आने लगे इन विलेजर्स के चक्कर में। या विलेजर्स को देख के मैंने बहुत बार देखा यहाँ मीट पड़ा रहता है, तो एक सेकंड वेट करते हैं, क्या पता ज़ॉम्बी आ जाए और उसको अपन ब्लॉक पकड़ा दे, तो वो भी काम आ जाएगा, वरना तो अपने को लाइब्रेरियन से वो लेना पड़ेगा भाई, एक नेम चेंज कार्ड, तभी तो ज़ॉम्बी को अपन उसके अंदर डाल सकते हैं। लेकिन यहाँ पे कोई दिख तो नहीं रहा भाई। गाइस बारिश के मौसम में कोई ज़ॉम्बी दिख नहीं रहा है, जब वेट करो तो एक ज़ॉम्बी नहीं मिलेगा, वरना इतने ज़ॉम्बी आ जाते हैं दुनिया भर के। गाइस क्या लगता है इस रात ज़ॉम्बी आ पाएगा? ज़ॉम्बी भैया, ओ ज़ॉम्बी भैया, भाई ज़ॉम्बी कहीं मिल तो रहा नहीं है मैं, पता आते तो थे भाई, आज बारिश हो रही है इसलिए नहीं आ रहे क्या। छोड़ो गाइस अभी अपन इन विलेजर्स की लेना चालू, सॉरी ले जाना चा गलत बोल दिया गाइस, अरे नहीं बाहर मत निकल, अंदर चल अंदर चल अंदर चल अंदर। ओहो अरे अरे शांति में, अरे देखो गलती हो जाती है इंसान से, ऐसी बात नहीं है ठीक है। चलो भाई चलो विलेजर्स लेट गो। एक सेकंड को लेके कैसे जाऊं? अच्छा पहले तो रेल में बैठाता हूँ ना, भागते फिरेंगे भाई ये लोग। ऊपर से जाऊंगा इनके घर में, एक रेल फिट करूंगा, उस रेल के ऊपर एक ही। हाँ भाई आ जाओ, बैठो बैठो इसके अंदर, बैठो टेंशन नहीं लेने का, एकदम मस्त जगह फ्राई। और गाइस ये तो बच्चे कर नहीं रहे, वहीं से एक उठा लाऊंगा एक विलेजर, बैठो ना अभी इसके अंदर, अरे अंदर बैठना बहुत बढ़िया। अभी जो है एक और लगाओ, एक रेल लगाओ, तू भी उधर चल, अरे उधर चल भाई, बैठ। ओके ये भी बैठ गए गाइस, दोनों बैठ गए, अभी इनको लेके चलते हैं। चलो हटो, अब किसी चीज की जरूरत नहीं है, अभी कहीं नहीं भागने वाले, इनके पैरों में बंधन बन गया। चल भाई चल ऊपर चल, अरे ये चले जाएंगे के बिना रेड स्टोन के, मैं ले जाऊंगा कहीं जाके, अगर मैं सबका दे दे के लेके जा। ओहो राजा जी क्या गाइस, प्लान सक्सेसफुल। अरे वापिस सफर कंटिन्यू करो, सफर कंटिन्यू, चलता रहे और चल आगे चल, गिरना नहीं। अरे फर्स्ट पर्सन में चला दो भाई, चल वापिस चल कोई नहीं, ऐसे उतार चढ़ाव आते रहते हैं, तेरी जिंदगी में भी बहुत आएंगे, आयरन फार्म के अंदर है, मस्त काम करना तू, चल। ओके एक पड़ाव पार हो गया है गाइस, एक चेक पॉइंट आ गया, लेकिन अगर यहाँ से फिसले हैं तो सारे चेक पॉइंट दूर चले जाएंगे। ओके नहीं फिसलना नहीं। ओके गाइस अपना पहला विलेजर आ चुका है इन द हाउस, अभी दूसरे विलेजर को लेके आते हैं। आजा भाई तेरे के हालचाल, टेंशन नहीं है, तुम दोनों का एक दोस्त और लेके आऊंगा मैं, तुम दोनों ने तो अपना दोस्त किया नहीं खुद का। अबे कहाँ रहा है वापस, चलता जा। अरे ऊपर जाके वो कंपोस्टर बन भी गया, वो कंपोस्टर, अरे कंपोस्टर नहीं मतलब क्या बोलते हैं, फार्मर। हाँ देखो टोपी आ गई, उसकी टोपी आ गई, चल बहुत बढ़िया, अरे बहुत बढ़िया। अरे मेरे को डाल दिया भाई इन लोगों ने, सॉरी मैं ऐसा कुछ करना चाहता नहीं था। ओके लाओ इधर, दोनों ट्रेन इधर दो भाई, हटो मेरे को ऊपर जा। अरे ऊपर कैसे जाऊं गाइस, ब्लॉक तोड़ना ही पड़ेगा, बाद में वापस लाके लगा देंगे गाइस ग्लास, अभी मेरे को वैसे भी एक ग्लास लेने जा रहे हैं, तो एक की जगह
दो ले लेंगे और इनको तोड़ते हैं। शायद एक ने जॉब नहीं बदली है तो वो भी अपनी जॉब ले लेगा। और ये मेरे आगे अपने को इसको पैक करना है पूरे को, तो अपने इसको पूरे को पैक करते हैं और यहाँ से जाएगा जॉम्बी। तो ये जॉम्बी वाला एरिया छोड़ना है देखो, और वहां मैंने ग्लास नहीं लगाया तो एक वो एरिया छोड़ दूंगा। चलो भाई अब रात का इंतजार है, जॉम्बी चाचा को इसके अंदर छोड़ दें बस अच्छे से। कोई नौटंकी दिया है ना वो आदमी, आ तो गया है। उसके लिए एक ट्रैप बनाते हैं जिससे कि वो चला जाए। ट्रैप में मैं ना चला जाऊं भाई, एक सेकंड। ट्रैप डोर है, ट्रैप डोर देखो गाइस एकदम मस्त सा बनाएगा। ट्रैप डोर के ऊपर जॉम्बीज आ जाते हैं। अब इसको मैं खोल देता हूं। अब मैं यहां से जाके यूं आऊंगा और वो यहां आएगा सीधा सीधा तो नीचे गिर जाएगा, ऐसा मेरा कहना है और सोचना है। तो वो तो रात में पता पड़ेगी। चलो भाई रात का इंतजार करते हैं, जब तक नीचे चलो और थोड़ा बहुत काम करते हैं। और ये मस्त काम कर रहा है एकदम बढ़िया। देखो दो विलेजर्स आ गए, इतनी देर में मैं तीसरा विलेजर लेके आता हूं और थोड़ा बहुत सैंड तोड़ के लाता हूं। तो लेट्स गो, बैठ के चलते ना, ऐसा एकदम मस्त सफारी का मजा लेंगे अपन। लेट्स गो। ये साले तेर से तेज तो मैं चल पड़ी ऐसे चलती है बहुत मस्त। अरे उल्टी मत जा, सीधी चल। ओके गाइस अभी अपनी थोड़ी वो है, थोड़ा धीरे, अभी नई ट्रेन है, काम चल रहा है। अभी मैं जो है कोटा से बेंगलुरु जा रहा था तो रास्ते में ये थोड़े बहुत जंगल वंगल दिखे, तो गाइस मैं ब्लॉग बना रहा था। देखो हेलो गाइस वेलकम टू माय ब्लॉग, और आज अपन आ चुके हैं जंगलों के बीच। गाइस बस पहुंचने वाला हूं, पहुंच गया अब तो बस आ गया। चलो भाई चलो। हां भाई देशवासियों कोई है एक, अच्छा तू आएगा क्या? क्या हो बच्चा भी भाई, तेरे को लाने के लिए क्या करना पड़ेगा मेरे को? इधर लगाओ ये, इधर लगाओ ये, और भाई साहब को थोड़ा धक्का दो। भाई साहब यार प्रॉब्लम है, बैठ। अरे उसके ऊपर से निकल गया ये आदमी, करना क्या चाह रहा? अरे सॉरी भैया नाराज हो गए, एकदम कोने में चले गए, क्या करें? कोई बात नहीं गाइस, भाई सालो सो जाओ जाके, बेशर्म इंसान हो। इसी घर से पकड़ना पड़ेगा गाइस मेरे को कोई। ले इधर भाई इधर मस्त बैठ रहे, अंदर तो ले लो मेरे को, मेरे से कौन सी दुश्मनी है? इधर इधर उसमें, हाँ इसमें बैठना है। अरे बैठना है इसमें, अरे भैया बैठ जाओ। चलो चलो बहुत बढ़िया एकदम मस्त। ओके गाइस अपने एक विलेजर जाने लग गया है और अब ये डायरेक्ट वहां पहुंच जाएगा। अरे कहां गया ओ चाचा, ये आदमी कहां गया? अब पकड़ो भाई पकड़ो, अबे रात में कहां भाग गया ये आदमी पता भी नहीं पड़ रहा। अरे एक सेकंड, ये तो जॉम्बी वाले रास्ते में चला जाएगा, पकड़ के रख। ऊपर का तो सब बंद कर दिया मैंने, ये तो मैं भूल ही गया। अरे नहीं तू यहीं रुकना, उल्टा मत जाना बस, रुक जा। इसको तोड़ो और अभी ये नीचे जाएगा ना? हाँ जाएगा। चलो आ गया भाई, तेरी रक्षा करने आ गया मैं। चल चल तब, उल्टा मत जाना बिल्कुल भी नहीं। हाँ चल चल। अरे भाई, अरे तेरे भाइयों को भी ऐसे ही घुसाया था मैंने, कहां उल्टा जा रहा है भाई? ये डायरेक्ट वापस विलेज पहुंच जाएगा अगर उल्टा ऐसे गया। चल चल चल, एक तो मोटे हो जाते हैं ये लोग। चल 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 चल, मेरे को मत गिराइयो भाई, तू गिर जाएगा वरना। नहीं बहुत बढ़िया, बस आ ही गया। चलो अंदर बहुत है ही बढ़िया। अरे टूट जा माइन कार्ड, चलो माइन कार्ड भी तुम रख लो, कोई बात नहीं, इतना दया धर्म में दिखा दे। अभी मेरे को चाहिए ये जॉम्बी। ला भाई जॉम्बी किधर है? ये जॉम्बी, अरे वो कौन सा वाला ब्लॉक उठाएगा? देखो जो भी ब्लॉक उठाएगा उस पे 5,000 का इनाम है, ठीक है? समझे कि नहीं समझे तुम लोग? उठाओ बे, जो उठाना उठा लो, उठा लो यार, किसी काम आओ, अपने दोस्तों को बुलाओ, छोड़ो तुम्हारे बस की बात नहीं। आ जाओ तुम्हें जंगल की सैर करा के लाता हूं। जॉम्बियों सुन रहे हो गाइस, सुबह होने वाली है, कोई जॉम्बी नहीं मिल रहा है। ये सारे ये वो दो जॉम्बी डोल रहे हैं यहाँ पे भाई। अबे अबे तुम होश, पूरा सूट पहन के आया भाई जॉम्बी। ये पकड़ेगा? ओ नहीं, ये पकड़ो, कुछ भी पकड़ लो तुम। अबे कितने सारे आ गए? अच्छा चार ही है टोटल मिला, तीन चार तो टोटल जॉम्बी है। वो सुबह हो गई, अब ये वैसे मर जाएंगे। गाइज आज की रात तो हराम चली गई, लगता नहीं इनमें से कोई पकड़ेगा और अब कोई आएगा भी। गाइज गुड मॉर्निंग, छोड़ो आगे का काम करते हैं अपना, तुमको मरने दो, मरो सालो मरो। मैं तो बोले कुछ ब्लॉक ब्लॉक पकड़ लेते तो तुमको जिंदा बचा लेता। अबे तू नहीं जल रहा क्या? तू क्या लेगा जलने का? देख ब्लॉक पकड़ ले, तू तेरे फायदे में रहेगा, ब्लॉक पकड़। गाइज हल्के फुल्के मानव। चलो भाई वेट करो अगली रात का, और क्या कर सकते, इसके अलावा कोई ऑप्शन है? काफी मन्नतों के बाद वापस रात आ गई है, और इसको तोड़ो एक सेकंड। अभी जो है कहाँ है भाई? अरे जॉम्बी वापस आएंगे अब आधे घंटे में, पता नहीं कहीं घूम के आते हैं, क्या पता जॉम्बी। ओहो तुम्हारी जरूरत नहीं है भाई, बहुत सारे जॉम्बी आ जाए एकदम से, जॉम्बी एपोकलिप्स आ जाए एकदम, मजा आ। इन जॉम्बी आए तो नहीं रहे भाई। ओ एक आया भाई, हैव सम स्वीट्स। अबे स्वीट दे रहा हूँ, पकड़ना। ओहो दो दो जॉम्बी आ रहे हैं, आ जाओ पकड़ नहीं पकड़ा, गंदा। अपने आप सवाल पकड़ के आ रहा है ये बंदा। ओके इन सबको मारो, मिल गया भाई, तुम्हारी कोई जरूरत नहीं है। आजा छोटू, आजा छोटू, छोटू ये छोटू, लेट्स प्ले होली। पापा बनेगा। अभी ये क्या हो रहा है? ये तो सही में एपोकलिप्स आ गया, अभी थोड़ी देर मैंने ऐसे ही बोला था, अबे मजाक कर रहा था मैं तो। अबे ये कैसे सब आ जाएंगे अब, स्केलेटन वगैरह? भाग हो गए क्या तुम लोग? कितने सारे आ रहे हैं, तुम बच्चों से निपटू पहले मैं। मरा। और कौन सा इनमें से कोई सब ब्लॉक वाला नहीं? अबे क्या तू, अबे तुम्हारी साले, देख मारे जा रहा है, तेरी बुआ की शादी है यहाँ पे। अले मत मार, थोड़ा मीट खाना पड़ेगा गाइस, अभी बताता हूँ इन लोगों को। इधर आइयो, इधर बैठो, चलो चलते बैठो बे।
तुम्हें मार के इतना मारूंगा ना, इतना मारू। कौन सा है, क्या दिक्कत है? अरे दिक्कत हो गई भाई। अबे दोनों नहीं, मस्त खिलाऊंगा पिलाऊंगा तेरे को। अरे चल यार, अब इसको लेके कैसे जाऊं? ऊपर चल एक बार ऊपर का सेटअप देख के आता हूं गाइस। अगर सब कुछ सही है तो इसकी रेल तोड़ूंगा, ये अपने आप ऊपर चलाएगा। ठीक है, सेटअप एकदम नेक्स्ट लेवल है। कोई आ रहा है क्या ऊपर? लेके आता हूं, रुको गाइस इनको। ये रेल पे नहीं चढ़ते क्या? क्या तुम सस्ते आदमी हो यार एक नंबर। शिट गाइस, इसको मारना पड़ेगा मेरे को ऐसा लग रहा है, या फिर एक रेल बना के इसको भी बैठा दूं। गाइस सारी रेल तोड़ता हूं, फटाफट इसको छोड़ के आता हूं। चावल वाला आ ही गया। रुक जा, आजा। दो विलेजर छोड़ दूंगा, टेंशन क्या है। वो भी गिर गया भाई साहब। एक काम कर, तू है ना अपने घर को चल, हेल्थ तो बढ़ जा। तो क्या लोली सी हेल्थ बढ़ा करे। अरे ठीक भाई, आजा। अबे उसने आर्मर पहन, भाई माफ कर दे लेकिन तू ऊपर आ गया। वाओ, दो एक्स, एक हाथ में एक्स लग रही है, पूरा आर्मर पहन लिया है भाई ने। ओके गया। क्या काम कर रहा है गाइस, जैसे ही वो नीचे आया, वो कहाँ है आर्मर वाला? मेरा आर्मर अलग से ले लिया भाई उस इंसान ने। छोड़ो गाइस, अपना काम हो गया है। और ये देखो आइलैंड गोलम, एलियो बड़ी, हेलो। मैं नंगा कैसे हुआ? अच्छा हेलो बड़ी, तेरी तो ऐसी बनाऊंगा ना, मैं चटनी बनाऊंगा ना, किसी दिन इग्नोर मारता मेरे को। सीढ़ियों पे एक पैर नहीं टिक रहा है इस आदमी का, लेकिन उतर के सीढ़ियों से जाना। ओके गाइस, अपना काम हो गया आयरन फार्म का पूरा, और चलने भी लगा है जैसे कि आपने देखा। हमारा गोलम भाई छप आ गया। छोड़ो आयरन आर्मर तो बनाना पड़ेगा ना गाइस, तो क्यों ना शुभ शुरुआत आपसे करी जाए। आ जाओ। साला ये आर्मर लेके बैठा, इसकी पीटता हूँ पहले। एक्स से मारेगा। ओहो आ गए गाइस, सारे कपड़े आ गए अपने यहाँ। चेस्ट वगैरह बनानी है थोड़ी बहुत, खाना पीना खाते हैं, सुबह हो गई है, सारा काम हो गया। एक सेकंड, ट्रैप डोर लग रहा है ऊपर, वो जल जाएगा ज़ॉम्बी। सुबह हो गई। नहीं, गलत थोड़ी है। ओके गाइस, आ गया हूँ अभी तो मैं, और अब चलो वापस रात के इंतजार करते हैं। और क्या करें, बुद्धि भ्रष्ट हो गई थी मेरी, वहां ट्रैप डोर उठा देता भाई मैं। बस एक्स मेरी यहाँ रखी हुई थी, अगर ये एक्स मेरे हॉट बार में होती तो मैं उस ट्रैप डोर को तोड़ के लगाने वाला था। मैंने सोचा अब भी आता हूँ करके। गाइस आयरन फार्म पूरा रेडी हो चुका था, सब बेड बज वेट फॉर नेक्स्ट नाइट। गाइस जॉम्बे, अरे कौन भौंक रहा है ये बदतमीज। ओके जॉम्बी दिखे, ओहो दो जॉम्बी दिखे, पानी दो। अबे जॉम्बी एपोक्लिप्स किधर से चला रहा है भाई? अबे शवल पकड़ रखी गाइस, एक और जॉम्बी मिल गया है मेरे को वापस से, जिसने शवल पकड़ रखी है। इस शवल वाले को घुसाते अंदर। आजा जॉम्बी बाबू, आ जाओ वापिस से, अपना प्रयत्न सफल रहे। बस बच गया, आजा। अबे उधर से किधर से आ रहा है? इधर अंदर। बहुत बढ़िया, इस बार बिल्कुल गलती नहीं करूंगा मैं इसको। ऐसे करके ब्लॉक कहां है भाई, ब्लॉक दो। अबे भाई कौन मारा मेरे को। वाओ बहुत बढ़िया, अब सब एक साथ आ जाएंगे। मेरा सामान कैसे लूंगा मैं? एक हट, सामान गया भाड़ में। नहीं यार, सामान चाहिए, सामान कैसे लूंगा? लेकिन वो बाद में लूंगा, पहले सुबह हो रही है। जॉम्बी क्या है? गोलम। ओ एक और गोलम आ गया, देख रहे हो, है जॉम्बी है, और ये यहाँ लगा। गाइस अभी जॉम्बी पैक तो कर दिया है, लेकिन मेरा सारा सामान फंस चुका है। देखो अब मैं सामान कैसे लेता हूँ? ये एक राज होगा, राज। चलो भाई एक पिकैक्स लेते हैं और पीछे से लेने की कोशिश करते हैं। और तो क्या करें, रुको थोड़ी बहुत मेरे को ब्लॉक चाहिए। यहाँ से आवाज आ रही है गाइस, इसको तोड़ के देखते हैं। ओके और ऊपर चलना है, इसको तो वापस लगाओ। यहाँ अपने को अपना आइटम नहीं मिलने वाला, यहाँ मिलेगा अपने को अपना आइटम। ओके यही है मेरा आइटम, मेरे को दे दो। ओके सारा ले लिया। अबे नहीं, सुबह नहीं हुई है। जॉम्बी भैया कहाँ? जॉम्बी भैया मर गए, गया कहाँ ये जॉम्बी? क्या ये जॉम्बी वही है? ब्लॉक नहीं लग रहा गाइस। आ गया नीचे भाई, मरना मत। आजा। एक सेकंड ना, सेटअप बैठा था मैं। गोलम कहाँ है? गोलम भाई देख, बात कुछ ऐसी है। आई एम सॉरी यहाँ। ट्रैप डोर नहीं, मर गए। कहाँ है जॉम्बी? कहाँ है जॉम्बी? आजा। बहुत बढ़िया भैया, आ जाना भैया, आ जाओ। थैंक यू। अबे पीछे, किस्मत हो तो ऐसी। मरो सालो, मरो, तुम किसी काम के आदमी नहीं हो, मरो। दो तीन बार पूरा फार्म बढ़िया से बन के एकदम कचरा हो गया। गाइज मिलता हूँ तुमको मैं, मिलता हूँ अगली रात में, मिलता हूँ डायरेक्ट। पहले तो ग्लास ला के मैं काम कर पुरा के मिलूंगा गाइज तुमसे, दो मिनट मरना।
ओके गाइस, अभी मैंने सब कुछ सही कर दिया है वापस। पीछे के जितने भी एक्स्ट्रा ब्लॉक थे वो सारे तोड़ दिए। और ये कहां से चिरांद आ जाती है भाई? अरे यार, मैंने पूरा नया आर्मर बनाया, हाथ मत लगा दी छोटू मेरे को, बोला था हाथ मत लगा। ओके अच्छा, अरे इनको मार क्यों रहा हूं मैं? इनको ब्लॉक लड़ाने, मेरे को ब्लॉक 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 पकड़ो, ब्लॉक पकड़ लो। अच्छा ये हुई ना बात, लड़ो 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 आपस में, लड़ो मस्त मस्त। एक ना, अबे नहीं यार, तुम पहन ले, तू सब पहन ले। हाँ एकदम मस्त प्रोटेक्शन ले, ये भी पकड़। मेरे लिए थोड़ी बनाया था मैंने, तुम लोगों के लिए तो बना के रखता हूँ मैं। कहाँ कर रहे हैं मेहरबानी सालों, तुम्हारी एम कसम से बता रहा हूँ, इस एम बोट को मार दो कोई, बस बहुत बढ़िया। आजा भाई आजा, गाइज बंदा आ गया है, बड़ी मुश्किलों से आया है। आजा भाई यार, आया मैं एक ही सेकंड में आया। ब्लॉक दो ब्लॉक दो, मैं ब्लॉक लगा के आऊंगा, बाकी बाद में देखूंगा। और अब मेरे को कोई झंझट नहीं चाहिए, ये वापस आ गया है ये जो भी है। गाइज अब मेरे को लगता है ये लास्ट है जॉम्बी, अब नहीं लाना पड़ेगा। बताओ यहाँ एक जॉम्बी ढूंढने में जान निकल जाती है, मैंने तीन तीन जॉम्बी अंदर डालने के बाद भी मर गए, मतलब सब खत्म हो गया। फाइनली बहुत प्यारी सी गुड नाइट, कितनी बार मराऊं देखो, स्केलेटन स्केलेटन स्केलेटन, कोई नहीं। मेहनत का फल मीठा होता है गाइस, मेहनत का। मेरा मीठापन किधर गया? अरे तू नहीं मारा था ना मेरे को बहुत? वो नहीं, अभी भी तो मर सकता हूँ, मैंने हेल्थ तो देखी। अब इसका जो है किलिंग चैम्बर बनाना है गोलम का। गोलम भाई साहब किधर चल रही है? है ठीक है, तो बोला भाई साहब नीचे टपके। अभी अपना फार्म रेडी करते हैं गाइस, देखो किलिंग चैम्बर बनाते हैं। नहीं नहीं, बच गया क्या? बच गया, फाइनली बच गया। ओके गाइस, तो अभी यहाँ पे बनेगा इसका किलिंग चैम्बर। देखो एक सेकंड, इसको यहाँ बनने वाला है इसका ये किलिंग चैम्बर कुछ इस तरीके से, एक दो तीन, और यहाँ से जाएगा नीचे डायरेक्ट, सारे हॉपर्स नीचे जाएंगे। उससे पहले एक हॉपर लगाओ, हॉपर 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 गए, अरे नहीं वाओ मेरी एमएल तगड़ी है। हॉपर कहाँ है भाई? मैंने हॉपर रखे तो नहीं थे कहीं, शायद सब चले गए, और वो पता नहीं कहाँ मरने में कहाँ गए होंगे भाई। गाइज मैं तुमसे थोड़ी सी देर में मिलता हूँ वापस, सारा आइटम कलेक्ट कर कुरा के। A few moments later. ओके गाइज, अभी जो जो मेरे को सारा सामान चाहिए था वो मैंने सारा कलेक्ट कर लिया है, वॉल्स वगैरह बना लिए, कुछ फैंस भी चाहिए मेरे को तो फैंस भी बना लिए, बाकी थोड़ी बहुत वुड पड़ी होगी मेरे पास, वुड लेते हैं। और अब चलते हैं और अपने आयरन फार्म को कम्प्लीट करते हैं, और ये सब उठाते हैं यहाँ से, ये आते में उठाएंगे, दोबारा ऊपर से नीचे आएंगे ना, और अब की बार पूरा कम्प्लीट करके आऊंगा भाई। अभी जो अपन यहाँ लगा रहे थे हॉपर, हॉपर दो भाई हॉपर दो, तो अभी इन हॉपरों को लगाना है कुछ इस तरीके से, देखो एक दो तीन चार पांच, एक हॉपर लगेगा यहाँ, एक लगेगा यहाँ, कुछ इस तरीके से। अब अपने को बनानी कुछ डिजाइंस, और डिजाइन के लिए अपने को चाहिए स्टेयर्स, स्टेयर्स लगेंगी यहाँ पे ऐसे, देखो अब मैं बताता हूँ कैसे, एक यहाँ, अबे ये क्या हो रहा है, हाँ एक लग गई, और इनके ऊपर लगेंगे ब्लॉक, इनको रखो यहाँ पे रखो, इसके ऊपर वापस लगाते हैं अपन ब्लॉक, और अब चाहिए वॉल। ये गाइस सिंहासन टाइप की लुक देगा, देखना एकदम मस्त लगेगा। देखो एक सेकंड मैं क्या कर रहा हूँ, पहले बता, ये चारों तरफ ऐसे स्टेयर्स लग जाएंगी, उसके ऊपर कुछ इस तरीके से ब्लॉक लगाने, यहाँ से यहाँ तक चारों तरफ, और हर कॉर्नर में एक एक वॉल ऐड हो जाएगी। उसके बाद देखो अब होता है अपना मेन काम शुरू, उस किलिंग चैम्बर बनाने का, चारों तरफ वॉल लगा, ये देखो डबल डबल में चारों तरफ वॉल लग चुकी है। अब बाहर बची, यहाँ भी वॉल लगा देते हैं। अभी गाइस अपने को जरूरत है लावा, अरे मैं केव में गया ही था, लावा लाना भूल, वैसे लावा पड़ा होगा मेरे पास क्या पता। एक लगाना है यहाँ, एक लगाना है यहाँ, एक लगेगा यहाँ, अब यहाँ लावा आ जाएगा और यहाँ पे आ जाएगा पानी। बस अपना किलिंग चैम्बर रेडी है, अपने को सेटअप करना है पूरा का पूरा इसका, क्या कहते हैं, ओहो यहाँ विलेजर का एरिया खुला पड़ा है भाई। चेस्ट बनाई थी ना मैंने, चेस्ट लगाते हैं। देखो ये अपना स्टोरेज रूम रहेगा, चार फ्लोर का स्टोरेज रूम रहेगा एकदम मस्त वाला, जिसमें यहाँ पे ये, यहाँ पे ये, यहाँ पे ये, अरे मेरे को भी चढ़ा लेते भाई साहब, ऐसे ऐसे ऐसे, फिर उसके ऊपर लग जाएंगे सारे, ये ऊपर तक एकदम बनाएंगे मस्त तरीके से। ये हो गया पूरा, ये देख अभी अपन यहाँ पे कोई भी आइटम डालेंगे तो सबसे नीचे वाली चेस्ट में जाना चाहिए, तो मैं देखो इसमें पहुंचाऊंगा। ओके ये सब गया शायद नीचे एकदम से, जाके देखते हैं अपन। लाओ भाई आया, ओके देखो गाइस सब कुछ आ गया, हॉपर का, अच्छा दो हॉपर तोड़े थे मैंने रास्ते में, वो आए होंगे। तो अभी अपना आयरन फार्म का स्टोरेज रूम हो गया है, इसके ऊपर अपना घर बनेगा, वो कैसे बनेगा मैं बताता हूँ। चलो अभी यहाँ से चलो, पहले अपना ऊपर की छतरी बनानी है और इसको पूरा पैक करना है, और मैं साथ के साथ लावा लगा ही देता हूँ, और इस लावा को डालो यहाँ पे, और पानी डालना है यहाँ पे। अभी अपना आयरन फार्म पूरा रेडी है, बस अब डिजाइन बनानी है, वो डिजाइन बनाएंगे, बाकी अपना आयरन फार्म फुल वर्किंग हो गया है, बस इसको मारना है फिर नए। एक सेकंड, वो टॉर्च भी तो नहीं लगी, रुको मैं पानी, अरे पानी भी मैंने, अरे नहीं पानी दो बाद में डालेंगे पानी यहाँ। और जॉम्बी के हालचाल, हाँ अब तेरी सर्विस चालू होने वाली है, ये ले इसको लगाओ यहाँ, और ये ओके सेटअप एकदम मस्त बन गया है वापस से, सही हो गया पूरा। लेकिन ये आदमी
ओके ये मर गया, इसका आयरन भी क्यों छोड़े, आयरन तो लो और भागो। ओके भाई आयरन गोलम काय को नहीं आ रहा? ओ आयरन गोलम इसलिए नहीं आ रहा होगा क्योंकि बगल में पेड़ है। अच्छा लीव्स पे तो वैसे भी नहीं आता ना, सही बात है, मतलब तोड़ने की जरूरत नहीं है लीव्स मेरे को। आ गया आयरन गोलम, नाइस गाइस ये देखो एकदम परफेक्ट काम करना चालू कर दिया है अपने। आवाज आ रही है तुम लोगों को, देख रहे हो? और ये देखो आज की रात की कलेक्शन 10 आयरन हो गया है और सिर्फ 2 गोलम मरे, मतलब 5-5 देखे गए भाई पूरे पूरे। क्या आयरन फार्म इज डन गाइज, अब कोई दिक्कत नहीं पड़ेगी आयरन की अपने को जिंदगी में। चलो तो भाई जब तक अपना स्ट्रक्चर पूरा करते हैं अपन, इसको रखो इधर और शायद स्टोन की कमी पड़ने वाली है तो अपने को जाना पड़ेगा माइनिंग पे थोड़ा बहुत, पहले अपनी स्ट्रक्चर को पूरी करते हैं। ओके सारा स्टोन खत्म, पैसा खत्म, अभी अपन चलते हैं ऊपर। लेकिन ऊपर चलने का मतलब क्या भाई, स्टोन तो चाहिए पड़ेगा ना, काम तो एकदम तगड़ा चल रहा है। मैं थोड़ी बहुत ब्लॉक देख लूं, ब्लॉक पड़े हो तो। अरे नहीं पड़े भाई, माइनिंग करनी पड़ेगी, 6-6 ब्लॉक पड़े हैं, बताओ इनका क्या करूं। आए गाइस माइनिंग करके जब तक के लिए रुको, यहीं रुको हाँ अभी। ओहो A few moments later. Okay guys, अभी मैं 2-3 स्टैक तो तोड़ लाया हूँ, इतने में काम हो जाना चाहिए। तो इनके बनाते हैं वापस से वही डीप स्लेट टाइल्स, अभी इसको अपन पूरा कम्प्लीटली पैक कर देते हैं और बस बीच में ऐसे थोड़ा सा दिखता रहे इसलिए छोड़ देंगे, और बाद में अगर चाहे तो चैन भी लगा सकते हैं यहाँ पे। और पानी गिर, पानी गिर गया मैं, छोड़ो। पर एक सेकंड, मेरे पास आयरन तो पड़ा है ही, बहुत सारा आयरन कहाँ है? अरे आयरन नहीं लेके आया था कि भाई मैं वहां से। इस आयरन का अपन बनाते हैं, वो जाली सी नहीं बनती ये, ओके आयरन बार्स बोलते हैं इनको, आयरन बार्स लगाते हैं उन दोनों में, देखो कुछ इस तरीके से। क्या मस्त लग रहा है ये देखो गाइस, यहाँ एकदम ऐसा नहीं लग रहा कैदी गिरफ्तार कर रखे। अभी चलो अभी अपने को ऊपर का छपरा बनाना है भाई, छपरा मेरे पास वो पड़ी है ना। अरे भाई मैं मरमुरा के सारा सामान इधर उधर चला गया क्या? स्टिक पड़ी थी ना मेरे पास थोड़ी बहुत, ओके स्टिक नहीं ये लो, और मेरे पास वुड पड़ी है काफी है इतनी। लालटेन बनानी है मेरे को थोड़ी बहुत, लालटेन वो नगेट से बनती है ना मेरे यहाँ तक, नगेट बनाए। अब देखो इसके ऊपर अपन बनाएंगे छपरा टाइप, अरे नहीं इन तो आग लग जाएगी भाई इनके अंदर, कोई बात नहीं देखी जाएगी जब आग लगेगी। एक अपन छपरा सा बनाते हैं, देखो अब इनके ऊपर एक एक ब्लॉक लगाना है कुछ इस तरीके से और इनको जोड़ते जाना है। देखो एक यहाँ एक यहाँ एक यहाँ एक यहाँ एक यहाँ, इसको यहाँ इसको यहाँ इसको, ये सही लगा रहा हूँ कि नहीं लगा रहा भाई, बस अच्छा लगे मस्त मजा आ जाए। अब अपने को चाहिए कुछ स्टेयर्स, इसकी जंगल लॉक की रखो, जंगल लॉक की स्टेयर बनाने के लिए अपने क्राफ्टिंग टेबल यहाँ रखो, क्राफ्टिंग टेबल के अंदर अब इनको लगाना अपन स्टार्ट करते हैं। देखो कुछ इस तरीके से, ओके ये लग गई है। अब इनके आगे एक एक स्लैब लगाते हैं कुछ इस तरीके से, ओके कुछ इस तरीके से मैंने गाइस चारों तरफ ये स्लैब्स लगा दिए तो अपने पास बहुत बड़ा एरिया हो गया। अब इसको तोड़ो, अब थोड़ी बहुत लाइटिंग्स के लिए अपन लगाते हैं वॉल्स, और वॉल्स के ऊपर लगाएंगे अपन लालटेन, ये देखो। चलो तो ऐसी चारों तरफ करते हैं, देखो कैसी लगती है, एक सेकंड, ये नाइस, ये देखो गाइस कैसा लग रहा है। सर ये तो टट्टी है, थैंक यू, मतलब कुछ ऐसा नहीं लग रहा है। अरे रुको जरा सबर करो, ठीक है इसको भर देते हैं पूरे को, ओके इसके ऊपर अपन एक चोटी सी बनाते हैं। देखो एक पे दिख क्यों नहीं रही है, चलो एक बार नीचे जाके देखते हैं, पानी तो गया हुआ है ही, पानी के साथ चलते हैं। ओके अभी देखते हैं ऊपर, अरे ये दिख नहीं रहा भाई, चलो भाई चलो दूर चलो दूर चलो, ओके गाइज कितना प्यारा लग रहा है ये, बस यहाँ पे जो डंडियां हैं वो जल गई, अगर ये नहीं जलती ना तो कितना प्यारा लगता है ये, गजब। अरे अरे लग, अबे मारता कहीं को है भाई, रुक जा, इतना मस्त बिल्ड बनाया मैंने, तो बकवास कर रहा है मेरे गाइस। ऐसी लाइटिंग्स यहाँ बीच में भी होनी चाहिए, और अगर लाइटिंग्स भी नहीं तो यहाँ पे अलग अलग तरीके के ब्लॉक्स लगा देंगे देखना। लेकिन उससे पहले मैं क्या कहता हूँ, हो जाते हैं बड़ा खतरा बन रहा नहीं लग गया लोग। अभी गाइस अपन देखने वाले हैं कि आयरन कितना हुआ, इन 3-2-1 64 का पूरा स्टैक हो गया है गाइस। और मैंने क्या किया है, बस ऊपर की वो चोटी बना रहा था इतनी देर से, और अभी वापस आयरन गोलम आ गया, इतना आयरन तो काफी है, कहीं चाहिए ही नहीं आयरन। यहाँ पे कुछ छपरा टाइप बनाते हैं, देखो अंदर की एंट्रेंस भी तो अच्छी होनी चाहिए कि नहीं, थोड़ी बहुत लो स्लैब, और ये एक मस्त सी एंट्रेंस बनाते हैं। देखो अभी गाइस कैसा लग रहा है, एक और लैंप है क्या? अरे यार ये लैंप, इस लैंप की भार जरूरत ज्यादा है, बाद में और लगा दूंगा, टेंशन नहीं है, अब तो आयरन ही आयरन है ये। और यार ये जगह तोड़नी पड़ेगी, ऊपर हो रही है बहुत, यहाँ पे एक डोर लगाते हैं, जंगल डोर तो भाई, और इसके अंदर जाके लगाओ, ये देखो अभी बताओ गाइस कैसे। अरे इसको मैं तोड़ दूंगा गाइस, यहाँ बाद में निकलने दो, ओके ये देखो कितना प्यारा लगने लग गया अपना पूरा आयरन फार्म, और एकदम वर्किंग है और पता भी नहीं पड़ रहा ये आयरन फार्म है। अगर मैं दूर से दिखाऊं तो ये देखिए गाइज, ये जो टूटी डंडियों पे ध्यान मत देना तुम लोग, हाँ तो मैं लगा दूंगा बाद में। ओके गाइज सो आज के लिए बस इतना ही, अब अपन अगले एपिसोड में इसका इंटीरियर बनाएंगे और कुछ ब्लॉक रिप्लेस करके इसको एकदम तगड़ा सा बनाएंगे। तो जब तक अगर तुम्हें वीडियो पसंद है तो वीडियो को लाइक कर देना, चैनल पे नए हो चैनल को सब्सक्राइब कर देना, मिलेंगे अगली वीडियो में, जब तक के लिए बाय।
Oh!